नमस्ते बालाजी इन दी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 26 जून से लेके 3 जुलाई तक की होगी। ये रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्ट्रेंथ, वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। आपके पर्सन खुद के अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी बात से डरते थे, कुछ करने से डरते थे, कुछ बोलना उनको बोलना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, तो अभी वो अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हैं। देखते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। द मैजिशियन, फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये जो इंसान है जिनके साथ आप रिश्ते में हो सकता है ये भी इंसान पहले खुद को बहुत बाराती स्मार खास समझता था या समझती थी। उनको लगता था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए वो किसी को भी अपमानित करते थे या कुछ भी बातें बोल देते थे। लेकिन अभी उनको ये पता चला है कि उसका जो ये बिहेवियर है, जो ईगो है, जो लोगों को ह्यूमिलिएट करने की जो नेचर है, ये उनको परेशान कर रहा है। और वो चाहते हैं कि किसी के साथ भी मिलके वो खुद को सही करे और किसी के साथ मिलके वो इस रिश्ते को दोबारा से पाए, क्योंकि उन्होंने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अपमानित किया है। उनको लगता था कि इस रिश्ते में जो चलेगा उनकी मर्जी से चलेगा, बाय हुक एंड क्रूक वो इस रिश्ते को पाना चाहते हैं। और वो इसीलिए कोई भी हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी की मदद लेनी पड़े, चाहे किसी भी तरह से वो आपसे आके बात करे, क्योंकि वो उन्होंने आपको पहले परेशान किया था, उनको ये पता है। अभी वो अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहा है कि किस तरह से वो आपके साथ आके बात करे, आपके सामने आके बात करे। उनको तो लगता था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको ये पता चला है कि उतनी भी वो काबिल नहीं है कि वो जो चाहे कर पाए। ये एक ही इंसान कर सकता है, वो जो सर्वशक्तिमान भगवान है वो ये नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो आपको अपमानित किया था, उस अपमान के कारण उनका ईगो उनको रोक रहा है और वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि आपके साथ कैसे बात करें। इसीलिए वो किसी की मदद भी लेना चाहते हैं। अगर किसी की मदद से ये रिश्ता सही हो जाए तो वो रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अभी देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्थिर हो, आप चीज़ों को अपनी तरीके से चलाना चाहते हो, आप पैसों को, घर को, बच्चे को, रिश्ते को सही तरह से चलाने की आप कोशिश करते हो और आप ये चाहते भी हो कि सब कुछ सही हो जाए, एक अच्छी तरीके से सब चीज़ हो। जिस तरीके से दूसरे रिश्ते चलते हैं आप उस तरह से रिश्ते को चलाने के बारे में अभी आप सोच रहे हो। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू
ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, आप भी चाहते हो कि ये रिश्ता अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, ये रिश्ता सही हो जाए, आपका प्यार आपको मिल जाए, और इसके लिए अगर आपको किसी की मदद लेनी पड़े, खास करके दोस्तों की अगर मदद लेनी पड़े तो आप लेना भी चाहते हो, क्योंकि आप भी रिश्ता चाहते हो, परिवार चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है ये जो इंसान है ये आपके सोलमेट है, और आप दोस्ती से रिश्ता फिर से शुरू करना चाहते हो। आप चाहते हो किसी भी तरह से, दोस्तों के जरिए हो, किसी की मदद से हो, ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप उनसे ये बता पाओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप उनको अपना सोलमेट मानते हो। देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एस ऑफ कप्स, वो भी अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, उनका प्यार भी उछल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, वो भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं। देखते हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, उनके मन में प्यार उभर उभर के आ रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वो रिश्ते को छोड़ के गए थे, ब्रेक लिया था, द हाई प्रेस्टेस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है उन्होंने रिश्ते को छोड़ के गए थे, जैसा मैंने कहा, या फिर अगर आपने रिश्ते को छोड़ा था तो अभी आप जिस पोजीशन पे हो, आप जो इतनी नॉलेजेबल हो गए हो, आप इतनी इंट्यूटिव हो गए हो, आप चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, अभी आप जो अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए हो, ये सारी चीज़ें देख के उनका प्यार जो है उभर के आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि मैंने इस इंसान के साथ इतना बदसुलूकी किया था या की थी, लेकिन देखो ये इंसान खुद को कितना काबिल बना लिया है, कितना अच्छा बना लिया है, अभी वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा है, कब आप अपना प्यार उनको दिखाओगे, कब उनको ये पता चलेगा कि आप भी उनको चाहते हो, हालांकि आप चाहते हो लेकिन ये उनको पता नहीं है, इसीलिए वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। और वो जो चले गए थे इस रिश्ते को छोड़ के, या फिर आप जो चले गए थे, किस कारण से गए थे, ये अभी उनको पता है, और अभी जो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है ये देख के वो और भी परेशान है, उनको और भी आप पर प्यार आ रहा है, कि इतनी अच्छे इंसान को मैंने किस तरह से ह्यूमिलिएट किया था, परेशान किया था, ये अभी इस बात को लेके थोड़ा दुखी है, और प्यार भी है लेकिन वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, जब उनको लगेगा कि वक्त सही है तभी वो आपके पास आएंगे। देखते हैं आप क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप अपने में मस्त हो, आप अपनी काबिलियत को आप जानते हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, आपको पता है जो लोग काम के नहीं हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो रिश्ता, जो काम, कुछ भी अगर आपके मुताबिक नहीं है, आप उसके साथ रहना नहीं चाहते हो। करंटली आप जानते हो किसके साथ किस तरह की बिहेव किया जाता है, क्योंकि ये अभी आप हाई प्रिस्टेस बन गए हो, ये उनको पता है, आप पहले से भांप लेते हो सामने वाला कैसा है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसीलिए आप बिना रोक टोक के आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। कुछ भी मतलब ये नहीं कि आप पागल हो, नहीं, आप जानते हो जो जिस तरह की औकात रखते हैं आप उसके साथ उस तरह के बात करते हो। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप इस तरह के बन गए हो, अभी आप चाहते हो इस तरह के। किंग ऑफ कप्स, द फूल के कार्ड, फोर ऑफ कप्स, क्योंकि ऐसा है कि पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया था, इसीलिए अभी आपने भी अपना इमोशन हाइड करके रखा है, आप भी ब्रांड न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में चाहते हो, किसी की रोक टोक के बगैर। ऐसा नहीं कि वो ये कहेगा, ए तुम ये ना करो, आप ये ना करो, आपको ये करना है,
वो करना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, आप इस तरह के अभी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो अपने लाइफ अपनी तरह से जीना, ना किसी की रोक टोक, ना कोई बेकार की बातें, ना कोई बेकार की लोग आपके लाइफ में आए। आप इस तरह के कुछ नहीं चाहते हो। आपने ये देखा है कि आपको किस तरह से इग्नोर किया गया है, आपने ये देखा है कि आपके सामने कोई अपना इमोशन हाइड कर रहा है, इसीलिए आप खुद को इस काबिल बना लिया है कि किसी भी बात से आपको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, खुद को क्या अच्छा लगता है, अपनी मर्जी से चलना, अपने आप को प्यार करना, और इमोशन आपके दिल में है लेकिन आप उसको दिखाना नहीं चाहते हो। जैसे कि आपको पता है कि ये आपके सोलमेट है, आप अचानक से कुछ चाहते हो आपके लाइफ में हो जाए, लेकिन अगर ना भी हुआ तो भी आप दोस्तों में अपने आप को ढूंढ रहे हो, अपने आप में आप मस्त रहना चाहते हो। किसी की रोक टोक, चिक चिक झिक झिक आपको अभी पसंद नहीं है। अभी देखते हैं इस रिश्ते के आउटकम क्या आता है। टू ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन। जैसा कि आप भी जिस तरह के लाइफ चाहते हो और आपके इंसान भी इंतजार कर रहा है, उनको भी पता है कि आप अभी पहले जैसे नहीं हो, इसीलिए इस रिश्ते में पूरा सही आउटकम नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है। हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो या फिर उनके पास ऑप्शन हो, या फिर वो ये सोच रहा है कि मुझे इस रिश्ते में दोबारा से जाना सही होगा या नहीं, या फिर आप इसको अपने करियर को आगे समझ रहे हो, तो इस तरह के बात के लिए इस रिश्ते का आउटकम कंफ्यूजन ही हो रहा है। देखते हैं टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता 24/7 आप दोनों के दिमाग में रहता है, लेकिन देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक पैसों पे अपना धौस जमाना चाहते हैं, अपने आप को पैसों में बहुत काबिल बनाना चाहते हैं। उनको लगता है मुझे पैसा कमाना चाहिए, अपने आप को काबिल बनाना चाहिए, स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। और कोई एक है जो अपने बारे में सोच रहा है, जब से ये रिश्ता बना है ये इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है, किसी और की कोई अहमियत नहीं है उनके लाइफ में, किसी और की फीलिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो। ये रिश्ता 24/7 आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते में नहीं हो। किस तरह से नहीं हो, कोई एक है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने मन मर्जी करना चाहते हैं, और कोई एक है कि हमेशा पैसों के बारे में सोचता है और अपने पैसों का ढोंस दिखाता रहता है। तो दोनों ही अपने जगह अपने बारे में सोच रहे हो, इसीलिए इस रिश्ते का आउटकम कंफ्यूजन है। क्या होना है ये आप लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कोई तो डाउन नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों ही प्यार चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, लेकिन कोई अपना पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। दोनों के माइंड में रिश्ते हैं, दोनों कंफ्यूज हो, क्या चाहिए पता नहीं है, पैसा चाहिए या प्यार चाहिए। हालांकि प्यार दोनों को चाहिए, प्यार दोनों चाहते हो, दोनों को लगता है प्यार होना चाहिए। आप उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो, वो आपके पर्सनैलिटी से प्रभावित है, लेकिन कोई किसी को ये बोलेगा नहीं। यूनिवर्स जी क्या कहते हैं देखते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या गाइडेंस है।
आप लोगों को क्या करना चाहिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक में भी वही आया, दिखावा दिखावा दिखावा। आप लोग सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के प्रति, कोई एक है जो रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप ओनली फॉर सेक्स के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रिश्ता परिवार चाहते हो तो ये सही नहीं है। परिवार अगर चाहिए तो प्यार से मांगिए, और अगर आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ अपने हिसाब से चलाऊंगा या चलाऊंगी, ये कभी सही नहीं होगा। और अगर इस रिश्ते में ठहराव भी नहीं है, देखिए इस ये रिश्ता ठहरा हुआ रिश्ता नहीं है, समझदारी का रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने जगह पर खुद को महान समझते हो, दोनों ही कंट्रोल करना चाहते हो रिश्ते को, या फिर कोई एक और किसी और के नजर भी है आप लोगों के रिश्ते में, कोई ऐसा है जो इस रिश्ते में हमेशा नजर घर के बैठा हुआ है, जो हमेशा इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, या फिर किसी के दिमाग में ये हमेशा भरता रहता है ऐसा करो वो करो ये करो, कोई एक है। तो अगर परिवार चाहिए तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करनी पड़ेगी, रिश्ते में ठहराव लानी पड़ेगी, एडिक्शन अट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा, प्यार से रिश्ते को चलाना पड़ेगा। प्यार है लेकिन ये दिखावे के प्यार है। जितना आप दिखा रहे हो कि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ या वो चाहते हैं, लेकिन उतना प्यार है नहीं। लोगों को दिखाने के लिए ये रिश्ता है। अगर प्यार होता तो इस तरह के परिणाम कभी नहीं आते, कंफ्यूजन कभी नहीं होता, एडिक्शन कभी नहीं होता, कंट्रोलिंग कभी नहीं होता, और ये रिश्ता ठहरा हुआ रिश्ता जरूर होता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।